हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है, ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है, एक ऐसे बहुत ही बढ़िया फीचर के बारे में है जो कि आपकी गाड़ी में अवेलेबल है बट आपको मालूम नहीं है। मैंने जितने भी लोगों से मालूम करा, उनमें से 99% लोगों को इस फीचर के बारे में मालूम नहीं है और वो इस फीचर को कभी यूज भी नहीं करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। मुझे भी काफी टाइम के बाद इस फीचर के बारे में रियलाइजेशन हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिससे कि कहीं ना कहीं आपका फायदा हो और आपके कुछ हजारों रुपए आपकी डेली रनिंग में आप बचा पाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्विकली आपको इस फीचर के बारे में बताता हूं। अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है या कोई ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर की आपको ये इकॉन का फीचर मिलता है, जहां पर आप ये देख रहे हैं एसी के नीचे एक इकॉन है, इस फीचर को कैसे यूज करना है, इसका क्या फायदा है, काफी लोगों को इस फीचर के बारे में मालूम ही नहीं है, वो इसको यूज ही नहीं कर पाते ढंग से। तो बेसिकली जब भी गर्मियां पड़ती हैं, धूप हो रही होती है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑटोमेटिक एसी है तो हम उसको 24, 25 या 23 पे करके ऑटो स्विच उसका ऑन कर देते हैं, या फिर मैन्युअली जो है आप अपने एसी को रन करते हैं ताकि आपकी गाड़ी ठंडी हो पाए, ठीक है। बट अगर आप इस इकॉन के फीचर को दबाएंगे, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूं करके, जैसे ही मैं इस इकॉन के फीचर को दबाता हूं, देखिए यहां पे इकॉन ऑन लिखा हुआ आता है। अब इस इकॉन ऑन का मतलब क्या होता है, आपको ऐसा कोई सडन एकदम से कोई चेंज दिखाई नहीं देगा और ना ही आपको कोई एसी की कूलिंग में कोई फर्क आपको नजर आएगा इमिडिएटली। बट इस फीचर का फायदा क्या होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और आपकी गाड़ी प्रॉपर मतलब ठंडी हो चुकी है, उसके बाद आप इस इकॉन के फीचर को दबा दें, जैसे ही आप इकॉन ऑन करेंगे, आपकी गाड़ी का जो एसी है वो हर 1 से 1.5 मिनट में 20 से 30 सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, केवल ब्लोअर से आपको हवा आती रहेगी। अब बिकॉज क्योंकि आपका कूलिंग कॉयल में ऑलरेडी कूलिंग कॉयल आपकी ऑलरेडी ठंडी हो रखी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसी बंद हो चुका है और ब्लोअर से आपको ठंडी हवा आती रहेगी 30 से 40 सेकंड तक। अब ऐसे में क्या होगा, आपका जब कंप्रेसर बंद हो चुका है, आपको पावर लॉस फील नहीं होगा, जो आपको एसी की वजह से चलाने की वजह से पावर लॉस फील होता है वो नहीं होगा, प्लस आपका 30 से 40 सेकंड हर 1 से 1.5 मिनट में आपका एसी जब बंद हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है ज्यादा माइलेज आपको प्रोड्यूस करके देगी। ट्रस्ट मी, मैं जब गर्मियों में इसको ऑन करता हूं तो मुझे जो पहले सर्दियों में मेरे को माइलेज आया करती थी, वो माइलेज मेरे को कहीं ना कहीं उसके आसपास जो है मेरी गाड़ी आज की डेट में मुझे दे पा रही है। तो इस फीचर को आपको कब यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या ज्यादा आपको गर्मी हो रही है, उस टाइम पे आपको इस फीचर को ऑन नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी कूल नहीं हो पाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं इस फीचर को शाम को या फिर सुबह, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती, एकदम चिलचिलाती गर्मी नहीं होती है, उस टाइम पे इसको आप ऑन करिए, तो आपको गाड़ी में कंफर्टेबल, आपकी गाड़ी ठंडी भी रहेगी और पैरेलली आपको अच्छी माइलेज भी मिलेगी और जो पावर लॉस है वो भी नहीं होगा। आप हाईवे पे फील करिएगा, जब आपका इकॉन ऑन होगा, बीच बीच में जब भी इसका कंप्रेसर कट आउट होगा ना, आपको सडन पावर आपको मिलने लग जाएगी गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी चलाने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फीचर है जो कि आप यूज करेंगे तो मैं आपको 110% बोल रहा हूं, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, आशीष थैंक यू सो मच भाई, तूने हमारे इतने पैसे बचा दिए। तो एक बार इसको जरूर यूज करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।